सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी ने ये बात जरूर सुने होंगे कि मोटरसाइकिल की टैंकी में चीनी रख देने से मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। हाँ, ये बात तो 100% सही है। तो चलो, क्यों और कैसे बंद होता है इसके पीछे के साइंस जानते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन। सो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए होगा दो ग्लास पानी, पेट्रोल और चीनी। तो एक ग्लास में हम रख देते हैं पानी, दूसरे में हम रख देते हैं पेट्रोल। एंड अब दोनों में रख देते हैं चीनी। एंड इसे अब खोलते हैं दोनों को 5 मिनट तक। फाइनली यहाँ पे हो चुका है 7 मिनट। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें के जो चीनी है वो पूरी एकदम परफेक्टली घुल चुका है, लेकिन इसका जो चीनी है वो थोड़ा सा भी नहीं घुले है, जो कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि तैसा ही है, यानी कि पेट्रोल में चीनी रखने से वो नहीं घुलता है। तो जब भी हम मोटरसाइकिल के टैंकी में रखते हैं घुलता नहीं है, बल्कि नीचे जाकर बैठ जाता है और जो होल होता है उसे जाम कर देता है। इसीलिए जो हमारे मोटरसाइकिल है उसे इंजन तक पेट्रोल नहीं पहुंचता है और वो बंद हो जाता है। चलो इसे एक एक स्टेप आगे ले चलते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यार, चलो हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा होल हमने कर दी है एंड इसमें अब रख देते हैं हम चीनी। इसका चीनी है वो रख देते हैं इसके अंदर। तो हमने इस अब होल के छोड़ रहे हैं और देखते हैं इसमें से पेट्रोल आता है या फिर नहीं। तो पेट्रोल तो आ रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन हमारे जो बाइक होते हैं उसे एकदम भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, तो इसीलिए बाइक बंद हो जाता है। एंड कई बार तो पाइप के माध्यम से जाकर कार्बोरेटर को ही जाम कर देते हैं, इसलिए बाइक बंद हो जाती है। तो गाइस यार, कुछ इस तरीके के था इसके पीछे के साइंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। एंड जाते जाते इस वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिएगा।